हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड हाई स्कूल टीचर की बात करेंगे कि झारखंड में हाई स्कूल टीचरों की भर्ती को लेकर क्या नई अपडेट आई है। जो भी जानकारी आई है आपके साथ साझा की जाएगी, शेयर की जाएगी। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, JTET 2012 और 16 में कंडक्ट कराया गया है। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेकर देखना चाहते हो कि झारखंड में जो टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होता है वो कैसा होता है, तो आप इन पेपर को परचेज कर सकते हो। यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिख रही होगी। 70 रुपीज़ में आप ये नोट्स जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये एक्वायर कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही ये फ्रूटफुल होगा ताकि आप जो है तैयारी को आगे लेकर जा सको झारखंड में जब भी JTET की परीक्षा होगी उसके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं झारखंड में हाई स्कूल वैकेंसी के बारे में, जो झारखंड में नई अपडेट आई है उसके बारे में। देखिए, मुझे ना बड़ा दुख और तकलीफ होता है झारखंड की स्थिति को देख कर की 2016 में एक्चुअली भर्ती आई है, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो लगभग लगभग जो है 7 साल हो चुके हैं कि झारखंड में हाई स्कूल टीचर की भर्ती नहीं आई है। अब झारखंड के जस्ट बगल में अपने नेबरहुड में अगर आप देखो बिहार में, तो इतनी भर्तियां वहां पे आ रही है इस साल कि क्या ही कहा जा सकता है। आपने अभी तुरंत देखा होगा 1,70,000 की भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है कि नए 70,000 शिक्षकों की, जिसमें हाई स्कूल की भी भर्ती है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर जाकर देख लें कि आपको तैयारी कैसे करनी है। 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए जो है टीचरों की रिक्रूटमेंट वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा अक्टूबर में। तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लें और उस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कर लें ताकि आप जो है शिक्षक वहां पे बन पाए। झारखंड में तो जो स्थिति है मुश्किल ही लग रहा है। फिलहाल जो नए भर्ती का ऐलान है, सरकार ने क्या कहा है, क्या बातें करी है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। देखो यहां से आपको एक देखो ये दिख रहा होगा आपको, यहां देखो 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के 1975 पद है, जिसमें कि 892 पद खाली है। अब मैं आप लोगों से एक सर्वे करा लेता हूं, पोल करा लेता हूं कि कितने बेरोजगारों का पैसा सरकार ने डकार लिया। अब मैं पोल इसलिए करा रहा हूं, देखो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने उत्कर्ष विद्यालय के लिए फॉर्म भरा था, बैंक में जाकर लाइन लगाई और वहां से जाकर DD डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया और फिर जाकर उसे जो है पोस्ट ऑफिस में जाकर लाइन में लगे और जो रजिस्ट्री है या फिर आपने स्पीड पोस्ट करने की कोशिश करी है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ना, सिर्फ आप लिख दोगे उत्कर्ष और उत्कर्ष वैकेंसी तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने जो है उत्कर्ष के लिए अप्लाई करा था। तो नीचे कमेंट करके यू वैकेंसी आप लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोगों ने उत्कर्ष के लिए अप्लाई किया था और इनके पैसे सरकार ने आज तक नहीं लौटाए। आपके पैसे जो आपने स्पीड पोस्ट करने में बेकार किए वो तो ठीक है, इसके अलावा आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, लिफाफे खरीदे और डॉक्यूमेंट जो आपने फोटोकॉपी कराई उसके पैसे गए आपके। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट के भी पैसे सरकार ने डकार दिए। अब बताओ ऐसी सरकार जो बेरोजगारों के पैसे से पल रही है वो आपके लिए क्या भर्ती लाएगी और क्या चीजें लाएगी। तो खैर, एक अच्छी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, हो सकता है कि सरकार जो है थोड़ी सी जाग जाए नींद से। देखिए क्या बातें हैं यहाँ पे। देखिए, राज्य में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्कृष्ट विद्यालय ऐसा विद्यालय है जहां पे इंग्लिश मीडियम में ये पढ़ाई शुरू कराएंगे, ऐसा सरकार ने कहा था। और अच्छी बात है कि कुछ विद्यालय जो है आपके आसपास में भी जो है चल रहे होंगे। देवघर में बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पे उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पे ये चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब ये स्कूल ये क्या बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, इसी लेवल पे ये जो है स्कूलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। दैट्स गुड, अच्छी बात है, बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इन स्कूलों में भी देखो यहाँ पे 2000 शिक्षकों की पद है और लगभग लगभग जो है 1000 पद ही खाली है, यानी कि लगभग लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, लगभग लगभग जो है 45 या 46% तो वैकेंसी रिक्रूटमेंट जो है वो वैकेंट ही है। हाफ अगर जहाँ पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार की भी प्रतिबद्धता है, वैसे जगहों पे हाफ टीचर की रिक्रूटमेंट जो है वैकेंट है, शिक्षक वहाँ पे हैं ही नहीं, तो कैसे चलेगा ये। यहाँ से देखो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है जो रांची है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, 2 साल से चल रही है प्रक्रिया विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति को लेकर, पिछले 2 वर्षों से प्रक्रिया शुरू की गई थी पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। वर्ष 2001 में विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसके लिए शिक्षकों का लिस्ट भी जारी किया गया था, पर जिन विद्यालयों से शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने के लिए कहा गया उन विद्यालय में उक्त विषय के शिक्षक बचे ही नहीं थे, यानी कि किसी दूसरे स्कूल से जो है ट्रांसपोर्ट करने की बात की जा रही थी। यहां पे प्रतिनियुक्ति का मतलब यह हुआ। आगे देखिए, विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने इसे रद्द कर दिया। क्यों?
नए शिक्षक तुम नहीं ले सकते, पुराने वाले स्कूलों से अगर आप टीचर मंगा लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे, उस स्कूल में कौन पढ़ाएगा? अगर एक स्कूल में एक ही मैथ्स टीचर है या इंग्लिश टीचर है या फिजिक्स का टीचर है, आप उसे दूसरे स्कूल में उत्कृष्ट विद्यालय में ले लोगे, तो जो पुराना सरकारी स्कूल है वहां के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसका विरोध हुआ और वापस निर्णय लिया गया। आगे देखिए, अब जो है कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली जो है शुरू की गई थी, लेकिन सरकार ने जो है इसको रद्द कर दिया और पैसे खा गई। जी हाँ, सच्चाई यही है, पैसे खा गई है सरकार ने, और किसी को अठन्नी भी नहीं मिलने वाला है। सरकार आपके पैसे रिटर्न नहीं करेगी, और फिर से जब भी नए कॉन्ट्रैक्ट की बहाली आएगी, सरकार शुरू करने के बारे में सोच रही है, फिर से आपको जो है लाइनों में धक्का खाना होगा, फिर से अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए, और अवेयर रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको इंटरव्यू जो है देने का मौका मिले, और अगर एक इंटरव्यू खराब भी चला जाता है तो अगले इंटरव्यू में आप अच्छा प्रदर्शन, अच्छा जो है अपनी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस दे पाओ। इसलिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर फॉर्म भरना चाहिए। तो ये था वीडियो, जो भी आपका पक्ष या विपक्ष, जो भी आपकी राय हो, नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है सभी को, और अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है। कमेंट सेक्शन में वो बोलते हैं ना, बदतमीजी नहीं करनी है, सीधी सीधी बात लिखनी है, और आपको अगर किसी तरह से कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है इसके बारे में लिख सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि किन किन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है। चलिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।